बड़ी खबर, पहले संबित पात्रा के ट्वीट को मैनिपुलेट बताने पर अब दिल्ली पुलिस सख्त है। दिल्ली पुलिस ने ट्विटर को नोटिस जारी कर दिया है और टूलकिट को लेकर पूरी जानकारी मांगी गई है। संबित पात्रा ने कांग्रेस पर हमला करते हुए टूलकिट केस का ट्वीट किया था और इसी को लेकर मैनिपुलेटेड शब्द, क्योंकि वहां पर अटैच कर दिया गया था, मैनिपुलेटेड मीडिया टैग कर दिया गया था, तो इसको लेकर अब दिल्ली पुलिस सख्त है। टूलकिट मामले को लेकर पूरी जानकारी मांगी गई है। दिल्ली पुलिस ने ट्विटर से जानकारी मांगी है, कहा है कि पूरी जानकारी मुहैया करवाए ट्विटर। तंसीम हैदर हमारे साथ जुड़ चुका है। तंसीम, क्या खबर? ये देखिए, जैसा कि शुरू से एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे, कांग्रेस ने बीजेपी के ऊपर, बीजेपी ने कांग्रेस के ऊपर इल्जाम लगाए थे, दोनों तरफ से एप्लीकेशन भी दी गई थी दिल्ली पुलिस कमिश्नर को जांच के लिए और पार्लियामेंट्री थाने को भी कंप्लेंट दी गई थी। जाहिर है दिल्ली पुलिस ने इस मामले की जांच में ट्विटर को शामिल किया है। ट्विटर को एक से नोटिस जारी किया है, चिट्ठी लिखी है और उनसे ये मांगा है कि ये मीडिया मैनिपुलेशन जो इस्तेमाल हुआ वो आखिर उसकी उसको कैसे इस्तेमाल किया गया, क्यों इस्तेमाल किया गया, क्या वजहें रही, तो ये सारा उसका डिटेल दिल्ली पुलिस ने मांगा है। और चूंकि अब ये मामला दिल्ली पुलिस के पास से स्पेशल सेल के पास चला गया है, स्पेशल सेल इस मामले की जांच कर रही है और साइबर सेल भी इसमें जुड़ी हुई है, तो ऐसा माना जा रहा है कि ट्विटर के जवाब आने के बाद दिल्ली पुलिस इस मामले में कार्रवाई आगे बढ़ाएगी। जी बिल्कुल, किस तरह की और जानकारी दिल्ली पुलिस ने मांगी है ट्विटर से? अभी दिल्ली पुलिस का जो सबसे इम्पोर्टेंट पहलू ये है कि ये मीडिया मैनिपुलेशन का इस्तेमाल किया गया, वो आखिर किस वजह से किया गया, क्यों मीडिया मैनिपुलेशन कहा गया ट्विटर की तरफ से, तो ये सारी चीजें जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट रखती है इस केस में, क्योंकि जो आरोप प्रत्यारोप इसी को लेकर लग रहे हैं कि वो कागजात जो टूल की है वो फर्जी है, सच है। उसकी सत्यता जानने के लिए दिल्ली पुलिस दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहती है, जिसका जवाब सिर्फ और सिर्फ ट्विटर के पास है और इसीलिए डिटेल्स मांगी गई है। शुक्रिया तंसीम, नजरा बनाए रखिए। तंसीम हैदर हमारे साथ जानकारी दे रहे थे। देश में कोरोना के मामलों में लगातार कमी देखने को मिल रही है। बीते 24 घंटे की बात करें तो 2,22,315 नए मामले सामने आए हैं और नए केस कम हो रहा है, राहत की बात है। लेकिन इससे बड़ी राहत की बात यह है कि जो ठीक होने वाले मरीज हैं उनकी संख्या में इजाफा हुआ है, बढ़ोतरी हुई है। तो बीते 24 घंटे की बात करें तो 3,02,544 मरीज ठीक हो चुके हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी टेंशन, चिंता की बात है वो ये नंबर है, 24 घंटे में अगर मौत का आंकड़ा देखा जाए तो वो लगातार बढ़ता जा रहा है। 4,454 लोगों ने अपनी जान गंवाई, तो आंकड़ों से साफ है किस तरीके से उत्तर भारत में हालांकि मामले घट रहे हैं लेकिन दक्षिण में अभी भी खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, या कहें कि बरकरार है। तो उत्तरी राज्यों में देखिए बिहार, जहां पर मामले 4,004, केरल की बात करें तो 25,000 से भी ज्यादा केसेस, वो एक चिंता है। यूपी में जहां 4,000 के करीब मामले हैं, आंध्र प्रदेश में 18,000 के करीब मामले हैं। तो कुल मिलाकर देश के 5 ऐसे राज्य हैं जहां पर सबसे ज्यादा केसेस, और उन 5 राज्यों में भी 4 राज्य दक्षिण के हैं जहां पर मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो हम आपको दिखाएंगे 2 ऐसी राज्यों का भी डेटा जिससे अंदाजा यह लगाया जा सकता है कि हालात किस तरीके के हैं राज्यों में। मुंबई का हाल देख लीजिए, मुंबई की अगर बात करें, मुंबई और दिल्ली दोनों महानगरों का जिक्र कर रहे हैं यहां पर, मुंबई और दिल्ली दोनों को अगर कंपेयर किया जाए तो जहां 14,031 मामले और 49 डेथ हुई है वहां पर, दिल्ली की बात करें तो केसेस कम हो रहे हैं, ये एक राहत की बात है दिल्ली के लिए, और यहां पर 1,649 और मौत का आंकड़ा क्या है वो भी आप इन नंबर से समझ सकते हैं। पिछले 24 घंटे का आंकड़ा है जो कि 2 महानगरों का हम आपको दिखा रहे हैं। तो ऐसे में 2 महानगर दिल्ली और मुंबई दोनों का हाल क्या है ये हमने आपको बताया। अब इसके साथ साथ वैक्सीन है नहीं, टीकाकरण बंद हो गया है। पंजाब हो या दिल्ली हो, बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि हमें विदेशों से वैक्सीन नहीं मिल रही है। पंजाब देखिए 45 प्लस वालों का, बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर टीकाकरण बंद कर दिया गया है। हरियाणा की बात करें तो टीके की किल्लत यहां पर भी सामने आ रही है। इसी के साथ साथ हिमाचल प्रदेश, टीके की कमी वहां पर भी है। पटना, कई टीकाकरण केंद्र बंद कर दिए गए हैं। क्यों? क्योंकि टीका है ही नहीं। 45 प्लस वाले कुछ लोगों का जरूर टीका लग रहा है, लेकिन अगर 18 प्लस वालों की बात की जाए, 1 मई से जिनका वैक्सीनेशन शुरू हुआ था उनके लिए फिलहाल वैक्सीन नहीं है। बहुत सारे केंद्र ऐसे हैं जिनको बंद कर दिया गया। अरविंद केजरीवाल ने वापस आज ये बात कही है कि हमने कोशिश की संपर्क करने की विदेशों से, लेकिन वो सिर्फ केंद्र को टीका मुहैया कराना चाह रहे हैं। और इस बीच क्या कुछ कहा अरविंद केजरीवाल ने, जरा वो भी सुनिए।
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में वैक्सीन खत्म हो गई है। केजरीवाल ने कहा कि वैक्सीन के उत्पादन करने की जरूरत है, विदेश की कंपनियां सिर्फ और सिर्फ केंद्र को टीका बेचने को तैयार हैं। तो दिल्ली में 18 प्लस से लेकर वैक्सीनेशन की किल्लत है, तो फिलहाल 45 प्लस का टीकाकरण पहले ही हालांकि बंद हो चुका था, तो आज दिल्ली सरकार ने साफ कर दिया कि वैक्सीन का स्टॉक खत्म है। इस बीच देखिए उत्तर प्रदेश का भी एक आंकड़ा लगातार टीवी स्क्रीन पर आपकी, हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्योंकि फ्रंट फुट पर हैं, लगातार हर जिले में जा रहे हैं जायजा लेने के लिए। तो उन्होंने कहा है कि फिलहाल 1 जून से सभी को टीका मुहैया हो जाएगा और 18 प्लस वालों के लिए खासतौर पर 1 जून से लोगों को टीका मिलने लग जाएगा। तो दिल्ली में कोरोना वैक्सीन खत्म हो गई, एक तरफ केजरीवाल ये बात कह रहे हैं कि केंद्र सरकार आ गया है, और इसी के साथ साथ देश में वैक्सीनेशन का हाल क्या है वो भी देख लीजिए। प्रदेशों को वैक्सीन की 21 करोड़ 30 लाख की डोज दी गई है, ऐसा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है। राज्यों के पास अभी भी 1 करोड़ से ज्यादा की वैक्सीन की डोज है। राज्य भले ही इस बात से इनकार कर रहे हो कि उनके पास वैक्सीन नहीं और इसीलिए टीकाकरण को केंद्रों को बंद करना पड़ा है, लेकिन केंद्र सरकार, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि वैक्सीन पर्याप्त है, टीकाकरण बंद करने की जरूरत नहीं है। राज्यों की अपनी बात, केंद्र की अपनी बात। हमारी फाइजर से बात हुई, फाइजर वाले कहते हैं जी आपको नहीं देंगे, हम केंद्र सरकार से बात करेंगे। हमारी मॉडर्ना से बात हुई, मॉडर्ना वाले कहते हैं जी हम आपको नहीं देंगे, हम केंद्र सरकार से बात करेंगे। मेरी केंद्र सरकार से हाथ जोड़ के अपील है कि हमारा देश ऑलरेडी काफ़ी समय लूज कर चुके हैं, हम लोग काफ़ी समय हो चुका है, तो अब हमें और समय नहीं गंवाना चाहिए। ये कोई भी विदेशी कंपनी जो है, अब तो कई सारी वैक्सीन आ चुकी हैं इंटरनेशनल मार्केट में, जॉनसन एंड जॉनसन है, मॉडर्ना है, फाइजर है और भी बहुत सारी हैं, तो इनसे सबसे केंद्र सरकार बात करके, केंद्र सरकार इनसे सारा इंपोर्ट करे और राज्यों के अंदर बांट दे। इवन टुडे वी हैव 1,60,57,858 डोजेज विच आर स्टिल अवेलेबल विद द स्टेट्स टू वैक्सीनेट पीपल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एंड ऑल्सो इन द पाइपलाइन, व्हेन वी से इन द पाइपलाइन इट मीन्स दैट विच आर लाइकली टू बी डिलीवर्ड in the next 2-3 days, we have another 21,08,160 doses for the states. केंद्र सरकार से हमारा निवेदन है कि 1.5 करोड़ बच्चों के लिए और स्कूल के सारे टीचर्स के लिए, लगभग 1.5 करोड़ ही टीचर्स हैं, तो 1.5 करोड़ बच्चों के लिए और 1.5 करोड़ टीचर्स के लिए, लगभग 3 करोड़ लोगों के लिए सबसे पहले वैक्सीन लेके आई जाए जो बच्चों के लिए लगाई जा सकती है, वैसी वैक्सीन। दुनिया में अभी फाइजर वैक्सीन का नाम आया है, अमेरिका में फाइजर वैक्सीन के बारे में से हमने भी संपर्क किया था, तो उनके पास डोजेस तो हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई अभी हम केंद्र सरकार से ही बात कर रहे हैं। तो केंद्र सरकार ये जिम्मेदारी निभाए कि फाइजर से बात करके देश के 1.5 करोड़ बच्चों के लिए वैक्सीन लेके आए और उनको लगवाए। दिल्ली के नाम पर लगातार राजनीति करते हैं। अब उन्होंने मांग की कि दिल्ली को केंद्र सरकार वैक्सीन दे। ये वैक्सीन आज जो दिल्ली में अभी तक दिया गया है 50 लाख, वो केंद्र सरकार ने ही मुहैया कराया है, आगे भी केंद्र सरकार मुहैया कराती रहेगी, और इसलिए बहाना बनाना छोड़ दे केजरीवाल, इतना ही मैं कहूंगा। तो वैक्सीन को लेकर सियासत फुल है। पंकज जैन मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज देखिए, आरोप प्रत्यारोप सियासत लगातार चल रही है, लेकिन आम आदमी ये जानना चाहता है, समझना चाहता है कि जब आपने 18 प्लस वालों के लिए टीकाकरण खोल दिया, सेंटर्स खोल दिए, तो फिर उनको पहली बात बुकिंग क्यों नहीं मिल रही, दूसरी बात वैक्सीन क्यों नहीं मिल रही। अब जाकर ये रोना रोया जा रहा है कि हमारे पास वैक्सीन नहीं, ताले लगा दिए हैं, केंद्र कह रहा वैक्सीन की पर्याप्त मात्रा है, तो एक आम इंसान कहां जाएगा? देखिए, सबसे बड़ी दुविधा यही है कि जो आम इंसान है वो इंतजार कर रहा है कोविन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कि वो एक अपॉइंटमेंट ले सके, लेकिन दिक्कत ये है दिल्ली सरकार पिछले एक हफ्ते से लगातार आंकड़े जारी कर रही है, और ये देखने के लिए मिला है कि दिल्ली में कोवैक्सीन तो काफी पहले ही खत्म हो गई, लेकिन कोविशील्ड जो है वो भी खत्म होती नजर आ रही है। आज 2 या 4 ऐसे सेंटर होंगे नगर जहां पे कोविशील्ड लगाई जा रही है, लेकिन 2 या 4 से क्या होता है, एक साइट पर सिर्फ 150 लोगों को ही टीका लगाया जाता है। तो ऐसी स्थिति में अगर दिल्ली को स्टॉक नहीं मिल रहा है, तो क्या दिल्ली को आने वाले दिनों में स्टॉक नहीं मिलेगा, या आने वाले दिनों में 8 लाख डोजेस देने की बात जो कही जा रही है वो कब तक मिलेगा,
ये स्थिति अब बन गई है दिल्ली के भीतर कि 100 स्कूल तैयार किए गए, वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए, इन पे अब ताला जड़ दिया गया है। मई के महीने में ही शुरुआत हुई, मई के महीने में ही वैक्सीनेशन सेंटर बंद हो गए। अब दिल्ली सरकार ये दावा कर रही है कि वो विदेश तक पे संपर्क कर रही है, केंद्र सरकार कह रही है कि राज्यों के पास स्टॉक है, लेकिन ये स्टॉक कहाँ है ये एक अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि दिल्ली की जो जनता है वो बार बार ये फोन करके भी पूछते हैं लोग, या फिर लोग ये जानने की कोशिश करते हैं सोशल मीडिया पे कि आखिर हम कहाँ से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। लेकिन देखना ये भी होगा कि क्या दिल्ली को उतना स्टॉक मिलता है आने वाले दिनों में या नहीं मिलता है। नवजोत, बिल्कुल बिल्कुल, नजर आप बनाए रखिये। लेकिन देखिये ये देखना और समझना भी जरूरी है, क्योंकि राज्य लगातार कह रहे हैं कि उनके पास वैक्सीन है नहीं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि वैक्सीन की पर्याप्त डोज राज्यों के पास हैं। किस तरीके से सियासत इस पर हो रही है जरा वो भी देखिए। दिल्ली में अभी तक वैक्सीनेशन काफी हाई स्पीड पे चलता रहा है, लेकिन जैसा कि हम आपसे शेयर कर चुके हैं, अब वैक्सीन की डोजेस खत्म होने की वजह से जो यूथ का वैक्सीनेशन है वो अब बंद होगा। अब सिर्फ दिल्ली में 45 प्लस फ्रंटलाइन वर्कर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स का ही वैक्सीनेशन चलेगा। 45 प्लस वाली कैटेगरी के लिए अभी तक दिल्ली को कुल मिला के 45,94,250 डोजेस मिली हैं, जिसमें से 43,79,070 डोजेस यूज हो चुकी हैं। ये तो दिल्ली सरकार ने अपनी फेल्योर को आप छुपाने के लिए पैनिक क्रिएट करते हो। पहले जब ऑक्सीजन का अरेंजमेंट इन्होंने नहीं किया तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन चिल्ला रहे थे, उसका पैनिक क्रिएट कर रहे थे। अब वैक्सीन इन्होंने समय पे परचेज नहीं की, ग्लोबल टेंडर नहीं किया, खरीद नहीं की, तब ये वैक्सीन वैक्सीन चिल्ला रहे। अब ये कोई पूछे 50 लाख वैक्सीन दिल्ली वालों को लगी, किसने दी है? मोदी जी ने दी ना वैक्सीन, केंद्र सरकार के द्वारा आई है। तो ये पैनिक क्रिएट करना सरकार का काम नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आप काम करिए असलियत में जमीन पर। आज सबसे ज्यादा आवश्यकता है और हम लोगों की प्राथमिकता है कि हम हर दिल्ली वाले को ये सुरक्षा कवच पहनाएं, और केजरीवाल सरकार दिन रात सिर्फ यही मेहनत कर रही है कि हर दिल्ली वाले को जल्द से जल्द वैक्सीनेट कर उसे और उसके घर वालों को ये सुरक्षा कवच पहनाया जाए। लेकिन दुख की बात यह है कि दिल्ली में इस समय वैक्सीन खत्म हो गई है। केंद्र सरकार वैक्सीन के उत्पादन पर भी नियंत्रण कर रही है और वैक्सीन के वितरण पर भी नियंत्रण कर रही है, और उसने साफ तौर पर दिल्ली का जो वितरण करने का जो कोटा होता है उसे कहीं ना कहीं रोक दिया है। इसी के चलते आज दिल्ली में वैक्सीन खत्म हो गई है। उनकी मजबूरियां होंगी, उनकी वैक्सीन अवेलेबिलिटी नहीं होगी क्योंकि उत्पादन नहीं हुआ। उत्पादन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने वैक्सीन एक्सपोर्ट कर दी। अप्रैल के महीने में लगातार केजरीवाल सरकार और अन्य राज्य सरकारें ये मांग कर रही थी कि हमें छूट दी जाए कि हम अपनी वैक्सीन खुद खरीद सके। 19 अप्रैल को भारत सरकार ने कहा कि आप अपनी वैक्सीन खुद खरीद लीजिए और 18 से 44 साल की उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाइए। 20 अप्रैल को अन्य राज्यों की सरकारों ने अपने ऑर्डर प्लेस कर दिए, पैसे देकर एडवांस देकर ऑर्डर प्लेस कर दिए, परंतु 26 अप्रैल तक दिल्ली की सरकार सोचती रही और 26 अप्रैल को सिर्फ एक इंटेंट ऑर्डर दिया वैक्सीन के लिए। कोरोना का कहर थमा नहीं है, लेकिन वैक्सीन की कमी से कई राज्यों में वैक्सीन की रफ्तार थम गई है, बल्कि कई सेंटर्स पर तो नो वैक्सीन के बोर्ड तक टांग दिए गए हैं। दिल्ली का हाल सबसे ज्यादा बेहाल है। कल कोवैक्सीन के सेंटर्स बंद हो गए और अब कोविशील्ड के सेंटर्स पर भी वैक्सीन खत्म होने वाली है। जनवरी को बड़े जोर शोर से देश में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू किया गया, लेकिन मई आते आते इस महाअभियान की हालत पस्त हो गई। वैक्सीन के लाले पड़ गए, कई राज्यों में वैक्सीन का स्टॉक खत्म हो गया, कई वैक्सीन सेंटर बंद कर दिए गए। सबसे ज्यादा आफत राजधानी दिल्ली में आई। एक दिन पहले 18 प्लस के कोवैक्सीन वाले सेंटर बंद हुए और आज कोविशील्ड सेंटर पर भी संकट मंडराने लगा है। दिल्ली में है इस वक्त वैक्सीन की भारी किल्लत। मुश्किल ये है कि 18 से 44 साल के लोगों का टीकाकरण हो चुका है पूरी तरह बंद। 45 साल से ऊपर टीकाकरण तो चल रहा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कोविशील्ड के लिए। ऐसे में दिक्कत यह है कि दिल्ली को कब तक वैक्सीन केंद्र सरकार मुहैया कराएगी, और मुहैया कराएगी तो फिर कितना वक्त लगेगा पूरी आबादी को टीकाकृत करने में। राजधानी में 12 दिन से 18 से ज्यादा उम्र के वैक्सीनेशन के लिए टीके की किल्लत है। दिल्ली सरकार काफी वक्त से वैक्सीन की कमी की बात कर रही है। वैक्सीन की कमी को दूर करने के लिए केंद्र से बार बार गुहार लगा रही है।
विदेशों से वैक्सीन खरीदने और देश में वैक्सीन का उत्पादन में तेजी लाने की भी मांग की है। दिल्ली को हर महीने 80 लाख वैक्सीन की जरूरत है, 80 लाख डोजेस की। इसके मुकाबले मई में हमें केवल 16 लाख वैक्सीन मिली और जून के महीने के लिए केंद्र ने दिल्ली का कोटा और भी कम कर दिया है। केंद्र सरकार से हमें जो चिट्ठी आई है कि जून में हमें केवल 8 लाख वैक्सीन दी जाएगी, मई में 16 लाख दी थी, जून में 8 लाख देंगे। ये हाल दिल्ली ही नहीं महाराष्ट्र का भी है, जहां देश में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले थे। अब भी तमिलनाडु के बाद दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र ही है, लेकिन यहां भी वैक्सीन की किल्लत के बाद 18 प्लस की वैक्सीनेशन रोक दी गई। अब महाराष्ट्र सरकार को सीरम इंस्टीट्यूट से 1.5 करोड़ वैक्सीन डोज मिलने का इंतजार है, जो कंपनी की ओर से 20 मई के बाद देने की बात कही गई थी। मुंबई में कल टीकाकरण नहीं हुआ, आज क्या होगा इस पर बीएमसी का बयान आना है। वैक्सीन की भारी किल्लत है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे एक बार फिर ये बात मान रहे हैं कि 18 से 44 साल की उम्र का वैक्सीनेशन प्रोग्राम सिर्फ इसलिए रोक दिया गया क्योंकि राज्य के पास पर्याप्त संख्या में वैक्सीन थी ही नहीं। हालांकि उन्होंने ये उम्मीद भी जताई है कि जून माह से अगर राज्य को पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन मिलती है तो फिर वैक्सीनेशन प्रोग्राम 24 घंटा भी चलाया जा सकता है। तो कोरोना काल के बीच ब्लैक फंगस का कहर अब लगातार गहराता जा रहा है। देश में इस मर्ज के करीब 9000 मामले सामने आ चुके हैं और मौतें भी डरा रही हैं। सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि ब्लैक फंगस के इलाज में इस्तेमाल किए जाने वाले इंजेक्शन ही लोगों के पास नहीं है, वो बाजार में भी नहीं मिल पा रहे हैं। टीम बनाया गया पूरे उत्तर प्रदेश में, उनकी जो राय आती है लाइन ऑफ ट्रीटमेंट और किस तरह से इसका इंजेक्शन या दवा जो देना है उसी आधार पर हम लोग करेंगे। तो एक इंजेक्शन जिसका ये बार बार जिक्र होता है, जिसके लिए इन लोग ने कहा भी है कि इसको कंट्रोल करने के लिए, वो इंजेक्शन क्योंकि अभी पूरे भारतवर्ष में भी कंपनियों द्वारा बहुत कम सप्लाई दे रही है, इसलिए उसका पूरा वितरण, उस कंपनी के उत्पादन का, उस इंजेक्शन का वितरण ये केंद्र सरकार ने स्वयं अपने हाथ में ले लिया है। देखिए, ये बीमारी एकदम सामने आई है और मार्केट में इसकी दवा जितनी मात्रा में चाहिए उतनी मौजूद नहीं। हम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ी बहुत ही हमें मिली भी है, लेकिन मरीज बहुत ज़्यादा है। आज की तारीख तक इसके आ चुके हैं। केंद्र सरकार भी इंपोर्ट कर रही है, वहाँ भी हमने एप्लीकेशन लगाई है। ब्लैक फंगस के जो केसेस ज़्यादा आ रहे हैं स्टेट के अंदर, तो हमने राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 की धारा 3 और सपठित धारा 4 की उपधारा के अंतर्गत ब्लैक फंगस को भी संपूर्ण राजस्थान में महामारी तथा नोटिफाइबल डिजीज घोषित किया है और अधिसूचना जारी की है उसकी। ब्लैक फंगस की शिकायतें पूरे राजस्थान से आ रही है और जयपुर में हमने एक यूनिट म्यूकोमाइकोसिस के SMS हॉस्पिटल में शुरू की है। इसकी रोकथाम समय पे करना अति आवश्यक है। दवाइयों की इसकी काफी कमी है, अलग अलग जो प्रोटोकॉल है इसमें हफ्ता भर पहले हम लोगों ने इसका प्रोटोकॉल बना लिया था और अब दवाइयों की तलाश है कि जहां से जितनी दवाई मिल जाए, मात्रा भी बताते हैं कि बहुत अधिक लगती है। मेरी मदर ग्रेटर कैलाश में एडमिट है, उन्हें डॉक्टर ने कल टोक्लिजुमाब इंजेक्शन प्रेस्क्राइब किया है, कल शाम उस सिग्नेचर को, वो भी इंजेक्शन मार्केट में अवेलेबल है, मैंने फार्मेसी पे पता किया था, लेकिन वही लेने का प्रोसीजर यही है कि डीन साहब की सिग्नेचर लगेगी। सिग्नेचर के लिए कल शाम से यहाँ से परेशान है, सर बोलते हैं कि स्टॉक अवेलेबल नहीं है, जिसमें कि हम फार्मेसी पे पूछ चुके हैं स्टॉक अवेलेबल है तो भी साइन नहीं हो रही है, यहाँ पे सवेरे से परेशान हो रहा है। हमें ये बताया गया था कि यहाँ पे हमें साइन कराना होंगे डीन साहब के, ये सब फॉर्मेट हमें दिया गया है, इस फॉर्मेट पे अस्पताल ने हमको दे दिया। अस्पताल के कर्मचारी 3 दिन से यहाँ आ रहे थे और डीन साहब ने यहाँ से उनको ये बोल के मना कर दिया है कि यहाँ पे हमारे पास स्टॉक अवेलेबल नहीं है, हम साइन नहीं करेंगे, आपको जिससे कंप्लेंट करनी कर दो। मेरी वाइफ है, टी चोईश्राम हॉस्पिटल में एडमिट है, 4 दिन से परेशान है। लाइपोसोमल इंजेक्शन वहाँ डिस्ट्रीब्यूटर के पास में जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं हमको कि हमारे पास भरपूर स्टॉक है, आप सिर्फ डीन साहब के साइन करा के लेके आ जाओ। डीन साहब के पास आ रहे हैं तो डीन साहब बोल रहे हैं कि मैं साइन नहीं करूँगा क्योंकि नकली दवाई है।
पेशेंट संभालने कि हम इंजेक्शन के लिए कमीशन ऑफिस दौड़ रहे हैं कि यहाँ पे दौड़े। कमीशन ऑफिस से ये बोला जाता है कि भाई इनके पास पावर है ये देखें, ये लोग बोलते हैं कि चले जाओ कमीशन ऑफिस वो देखेंगे, तो हम यही घूमते रहते हैं। पेशेंट जाए दो चार दिन ऐसे ही रहेगा, पेशेंट मर जाएगा पड़े पड़े। सर वो आई नहीं, कुछ जवाब ही नहीं दे रहे सर, वही आज हम लोग परेशान हो गए सर। हमारी लाश इस स्टेज पे बता रहे, डॉक्टर ना आते हैं बोला हम कुछ नहीं कर सकते, आप साइन करो, आप अपने रिस्क पे ऑपरेशन करो। देश के पूर्वी तटीय क्षेत्रों में चक्रवाती तूफान यास का खतरा लगातार मंडरा रहा है। बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवाती तूफान यास आज ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों से टकरा सकता है। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान यास से निपटने के लिए तैयारियां भी जारी हैं। कोलकाता में सुपर साइक्लोन यास से निपटने के लिए शहर में 74 पंपिंग स्टेशन की जांच की गई है। ओडिशा की बात करें तो 8 जिलों में चक्रवात यास को लेकर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। राज्य में एनडीआरएफ की 18 टीमें तैनात हैं। हालात को लेकर दिल्ली में भी बैठकों का दौर लगातार चल रहा है। साइक्लोन बनने का बाद भी इसका मूवमेंट जो है वो नॉर्थ नॉर्थ वेस्टर्ली रहेगा, और साइक्लोन बनने का बाद सब्सिक्वेंट 24 घंटा में ये फर्दर इंटेंसिफाई होकर वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म होगा। वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म होने का बाद 26 मॉर्निंग में ये वेस्ट बंगाल उड़ीसा कोस्ट के नजदीक पहुंच जाएगा, और 26 इवनिंग ये वेस्ट बंगाल और उड़ीसा कोस्ट क्रॉस करेगा बिटवीन पारादीप एंड सागर आइलैंड एज ए वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म। इस सिस्टम के लिए जो वार्निंग हम लोग इशू किए हैं, पहला जो है वो रेनफॉल हम डेट वाइज बता रहे, पहला जो है 25 को 25 मई बंगाल की जो उपकूल क्षेत्रीय जिला है दोनों मिदनापुर 24 परगना और हावड़ा हुगली ये जगह पे सारी जगह पे हल्का से मध्यम वर्गीय बारिश और कुछ जगह पे भारी से अति भारी बारिश की संभावना है। बात करते हैं कोरोना की पहाड़ जैसी चुनौती की, और आपको लिए चलते हैं उत्तराखंड जहां गांव-गांव को इलाज का इंतजार है। और ऐसे में एक मददगार टीम उन गांव तक चली गई जहां पहुंचना आसान नहीं था। साथ में है हमारी सहयोगी ऐश्वर्या पालीवाल, देखिए रिपोर्ट। सामने रास्ता बहुत दुर्गम है, पहाड़ सी चुनौती है, लेकिन हौसले और हिम्मत उससे कहीं मजबूत है। उत्तराखंड के सुदूर गांवों में जहां आज तक मदद नहीं पहुंची, 10 जाबाजों की टीम इन गांवों तक पहुंच रही है। हौसलों ने पहाड़ों का सीना चीर दिया है, हिम्मत ने पहाड़ों पर चढ़ाई की मुश्किलों को पाट दिया है। कभी गाड़ी तो कभी पैदल चढ़ाई पर जीत का निशान छोड़ते हुए ये टीम गांव-गांव पहुंच रही है। आज तक संवाददाता ऐश्वर्या पालीवाल भी साथ साथ हैं। देवभूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड के गांवों की हालत इस समय काफी खस्ता है। सबसे बुरे हाल उन गांवों के हैं जहां पे प्रशासन का पहुंचना मुश्किल है। कई गांव तक पहुंचने के रास्ते अभी नहीं बने हैं। एक टीम ऐसी तैयार हुई है जिसने ये मिशन बना लिया है कि दूर दराज गांव में जाके हैंड सैनिटाइजर देंगे, मास्क देंगे और उन लोगों को जागरूक करेंगे कि कोविड-19 से क्या हो सकता है। कभी दर्जन भर घरों वाले गांव मिले तो कभी थोड़े बड़े गांव रास्ते में आए। इस टीम ने दवाओं से लेकर मास्क, सैनिटाइजर और दूसरी जरूरी चीजों के साथ कोरोना से जंग के लिए तैयार किया, घर घर तक पहुंचे। एक गांव में मिशन पूरा तो फिर अगले गांव की मंजिल पर कदम बढ़े। आप लोगों ने कब से देना शुरू किया है मास्क वगैरह? मैम, हमारा जो मास्क और सैनिटाइजर और जो हमारा जागरूकता अभियान है, ये जब पहली लहर आई थी कोरोना की हमारे देश में, हमारे राज्य में और हमारे डिस्ट्रिक्ट में, तो हम लोग उस टाइम से एक्टिव हो गए थे सारे लोग, और हमने जगह जगह गांव में जाके जहां पे लगता था हमें कि पूरा मतलब बहुत दूर के एरियाज हैं और लोग जागरूक नहीं हो पा रहे हैं, तो हम लोगों ने फिर हमने एक मिशन बनाया कि हमें जगह जगह जाना है गाँव में और हर जगह जागरूकता के साथ साथ इनको मास्क, सैनिटाइजर, मतलब जो बेसिक चीज़ें हैं कोरोना से बचने के लिए हमारे पास, तो हम वो चीज़ें हम इनको सर्व करेंगे। हम जो पहली लहर है उससे ही हम कंटिन्यूस चल रहे हैं मतलब इस काम के पीछे, और हम अभी तक कर रहे हैं।
तो कहीं क्या आपको ऐसा लगता है कि लोगों में जागरूकता थी सेकंड लेयर के बारे, ये जो लहर आई थी इसके बारे में, या लोगों ने इसको लाइट ही लिया? मैम हुआ क्या था, जब पहली लहर आई थी तो उस टाइम हमारे गांव को इतना प्रभावित नहीं किया था कोरोना ने, गांव में नहीं पहुंचा था। अभी इस लहर की अगर मैं बात करूं तो लोग पहले क्या थे, नहीं डरे हुए थे बिल्कुल, लोगों का मानना था कि नहीं गढ़वाली लोग हैं, इम्यूनिटी सिस्टम ठीक है, हम अपना काम करते रहेंगे और शायद कोरोना हमें नहीं छू पाएगा। लेकिन बिल्कुल इसके उल्टा हुआ हमारे साथ में। सब लोग जितने भी लोग यहाँ पे हैं, आप लोगों ने इस समय अपना मिशन यही बनाया है कि जितने ज्यादा लोगों को हो सके मदद पहुंचे। आपको क्या लगता है अब की बार सबसे बड़ा बड़ा जो कारण था लोगों के घबराने का वो क्या है, और दूसरा गांव गांव तक ये लहर पहुंची कैसे, उसका क्या कारण आपको लगता है? मैम ये जो स्ट्रेन था ये पिछले स्ट्रेन से बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, और ये 17 देशों में आ रखा था, और हम यही समझा रहे थे, हम जागरूकता अभियान के तहत तो हम गांव गांव जाके और एक छोटा छोटा शॉर्ट वीडियो बना के हम लोगों को जागरूक कर रहे थे कि आप घर से बाहर ना निकले, अंदर रहें और लॉकडाउन का पालन करें, और जब तक लॉकडाउन नहीं लगता आप खुद ही लॉक करें अपने घर में, क्योंकि अगर आप बाहर निकलेंगे तो ये छुआछूत जैसी बीमारी है और ये आप पे लग जाएगी। और मैम जैसे आपने पूछा है कि ये कैसे फैला, ये शादियों से ज्यादा फैला, कई लोगों ने शादियों में इतना ज्यादा कर रखा था कि एक कमरे में 3-4 लोग बीमार हैं, उसके बाद भी वो शादी का प्रोग्राम अपने घर में चला रहे थे, किसी को नहीं बता रहे थे। दूसरा मैम जो ये प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जा रहा है, जैसे कोई कोविड से मरता है तो उसके साथ जो घर वाले जा रहे हैं और केदार घाट भी जला रहे हैं तो उनको 14 दिन तक अपने घर में रहना चाहिए, लेकिन वो बाजार में आ जाते हैं, सामान लेने आ जाते हैं। उत्तराखंड के गांव-गांव को सरकारी मदद का इंतजार है, ऐसे गांव हैं जहां पहुंचना तक मुश्किल है, लेकिन ये टीम चलती रही और मुश्किलें टलती रही। लोगों ने इन्हें मुश्किलों को लेकर फोन किए और जो हो सका वो किया। ज्यादातर उन गांव में जाने की कोशिश हो रही है जहां पर लोग मुश्किल से पहुंच रहे हैं, जो रिमोट गांव है वहां पर इस समय जाने की कोशिश काफी ज्यादा चालू है, और गांव वालों को ये बताने की भी कोशिश हो रही है कि ये जो चीजें उनको दी जा रही हैं, चाहे वो इम्यूनिटी बूस्टर हो या फिर वो मास्क हो, ये सब चीजें उन्हीं के लिए है, और जितनी ज्यादा इन चीजों का वो इस्तेमाल करेंगे उनके लिए उतना ही बेहतर होगा। इस तरीके का प्रोग्राम अब उत्तराखंड के गांव-गांव में किया जा रहा है। श्वेता पालीवाल आज तक के लिए कैमरा पर्सन परमेंद्र शर्मा के साथ। आज तक की टीम गांव गांव घूम रही है, प्रशासन की आंखें खोल रही है। यूपी के मिर्जापुर के एक गांव से हमारे सहयोगी कुमार अभिषेक जब पहुंचे तो वहां की गलियों का गम उभर आया। यूपी के इस गांव की शक्लो सूरत दूसरे गांव से अलग नहीं, वही गलियां, वही पगडंडियां, वही मुसीबतें, वही मुश्किल। मिर्जापुर के इसी बरेनी गांव में हाल जानने देखने समझने आज तक की टीम पहुंची है। जैसे जैसे हम इस गांव में आगे बढ़े उस गम और तड़प से हमारा सामना होता गया जो गांव के माहौल में अब तक खामोश थी। कोरोना काल में 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को गवाकर ये गांव आज बेइंतहा दर्द में रो रहा है। गांव में रहने वाले श्रीवास्तव परिवार ने तो बारी बारी से अपने 4 सदस्यों को इस महामारी के समय खो दिया। 2 लोगों की मौत वाराणसी और जौनपुर में कोरोना से हुई और 2 लोगों ने अपने गांव की माटी में आखिरी सांसें ली। मिर्जापुर के बरेनी गांव में है और इस गांव में एक परिवार ऐसा है जिसने अपने 4 लोगों को खोया है। 2 लोगों की मौत कोरोना से हुई है जिनकी जांच रिपोर्ट आई थी, बाकी 2 लोगों की मौत का पता नहीं चला कि वो कोरोना था या नहीं था। हालांकि परिवार का कहना है कि 4 में 2 लोगों का ही कोरोना पॉजिटिव आया, 2 लोग नहीं थे, लेकिन पिछले 1 महीने में इस परिवार ने 4 लोगों को खोया। बात करने की हम कोशिश करते हैं। 4 परिवार के लोग आपके नहीं रहे 1 महीने? जी, एक हमारे भाई थे, एक भाई थी, 2 भतीजे, 1 महीने में 4 मर गए। कोई पूछने आया? कोई कोई कभी नहीं आया पूछने आया। पूरा गांव कमोबेश इसी तकलीफ को अपनी रगों में महसूस कर रहा है। 9,000 की आबादी वाले गांव के कई परिवार अब अपनों की याद के सहारे जी रहे हैं।
हालात संभले तो उस वक्त के सवाल भी उभरे। लोग पूछ रहे हैं कि क्या प्रशासन गांवों की सुध नहीं लेगा, क्या गांव देहात प्रशासन की राहत की लिस्ट में नहीं है। कोरोना से एकाख मौत हुई है जो है, और जो है दो तीन थे श्रीवास्तव लोग थे, तो ये लोग बनारस में रहते थे और वहां पर इन लोगों का जो है कोरोना से हॉस्पिटल में मृत्यु हुआ है। इस गांव की क्या स्थिति है? गांव की ठीक है, स्थिति ठीक है, संतोषजनक है। अच्छा, पहले लक्षणों वाले लोग थे गांव में जिनको बीमारियों के लक्षण? हाँ, हल्का सा एक दो आदमी को था और वो तो गुजर गए जो है। कितनी मौतें इस पूरे इलाके में हुई होंगी और क्या पिछले एक महीने से जब ये कोरोना बढ़ा है तो कोई सुध लेने वाला था कि नहीं? ये ग्राम सभा बरेनी है, ग्राम सभा बरेनी में कम से कम अभी तक मौतों का आंकड़ा अगर आप पूछेंगे तो कम से कम 30-35 मौतें हो चुकी हैं, पूरे गांव की मैं बात कर रहा हूं। और जहां प्रॉपर आज इस समय खड़े हुए हैं इस एरिया में कम से कम 10-15 मौतें यहां भी हुई हैं और लोग संक्रमित थे। जगह कैंप लगा यहाँ पे, कल ही लगा था, जो कि 208 लोगों का टेस्टिंग हुआ था, जिसमें हाँ उसमें 100 एंटीजन हुआ था और बाकी RT-PCR हुआ था जी, और 100 में लगभग सभी लोगों का निगेटिव आया था और बाकी की रिपोर्ट 72 घंटे बाद बोले हैं। लेकिन इस इलाके के हालात पहले खराब थे? जी, पहले तो खराब थे ही, अब काफी बेहतर हो गए हैं। अब स्थिति ठीक है। गांव ने लोगों को जीते देखा, तकलीफ में तड़पते देखा, जाते देखा और अंतिम संस्कार देखा। नहीं देखा तो वो रवैया जहां सिस्टम का हाथ खड़ा हो जाता है। यह मिर्जापुर के बरैनी गांव का शमशान घाट है। कुछ हफ्ते पहले तक यहां हर रोज दर्जनों लाशें जल रही थीं और कई शव तो गंगा में यूं ही फेंक दिए जाते थे। गांव वालों का कहना है कि इसमें से कई शव कोरोना पॉजिटिव लोगों के होते थे जो यहां पर लाकर या तो गंगा में फेंक दिया जाता था या यहां चुपचाप उनका दाह संस्कार कर दिया जाता था और दर्जनों की तादाद में यहां पर ये हो रहा था। बरैनी गांव में ढेरों लोग संक्रमित हुए, कई की मौतें हुई हैं और गांव के लोगों का स्पष्ट मानना है कि गांव से बिल्कुल नजदीक होने की वजह से हो सकता है ऐसे शवों के दाह संस्कार की वजह से इस गांव में संक्रमण फैला हो, ये गांव वाले मानते हैं। कुमार अभिषेक, मिर्जापुर आज तक। कोरोना की तीसरी लहर का खतरा जहां बरकरार है, वहीं कई राज्यों में स्वास्थ्य सेवा का हाल अब तक नहीं सुधरा। आज तक ने पंजाब में बंद पड़ी डिस्पेंसरीज की रिपोर्ट दिखाई और इस रिपोर्ट का असर यह हुआ कि आसपास की तमाम डिस्पेंसरी के ताले खुल गए। देखिए सत्यन चौहान की रिपोर्ट। ये मोहाली जिले का वही गांव संते माजरा है जहां की सरकारी डिस्पेंसरी पर ताला लटका था। लोग इलाज के लिए आते मगर बंद पड़ी डिस्पेंसरी को देख मजबूरी में शहरों का रुख किया करते थे। आज तक ने इसकी खबर दिखाई और उस खबर का असर भी हुआ। अब यहां डॉक्टर भी पहुंचे हैं, ताला भी खुला है, कोरोना के सैंपल लिए जा रहे हैं, लोगों को बिना पैसे दिए दवाई मिलनी भी शुरू हो गई है। यही नहीं, डॉक्टर घर घर जाकर भी कोरोना किट पहुंचा रहे हैं। मोहाली जिले के गांव संते माजरा की सूरत हाल हमने आपको आज तक पर दिखाई थी कि किस तरीके से ये ऊंची ऊंची बिल्डिंगें इमारतें कहीं ना कहीं सफेद हाथी बन गए थे। यहां पर ना लोगों का इलाज हो रहा था बल्कि जो लोग इलाज के लिए आ रहे थे उनको यहां पर ताला लगा हुआ मिलता था। अब इस खबर का असर हुआ है इस गांव में। अब कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यहां पर आ गए हैं। सुबह से लेकर आज कितने लोगों की टेस्टिंग आपने की है और क्या क्या दवाई आप लोगों को दे रहे हैं? 16 लोगों की टेस्टिंग हो चुकी है लेकिन वो सबकी रिपोर्ट नेगेटिव होने के कारण आज हमने किसी को दवाई नहीं दी है। अब यहाँ पर ताला भी खुल गया है, लोगों का इलाज भी हो रहा है, क्या कहेंगे? हम सबसे पहले तो आज तक का धन्यवाद दिए हैं जिन्होंने इस ताले को खुलवाने के लिए अपनी जो टीम के साथ यहाँ पे दिखाया सारी दुनिया को, क्योंकि ये महामारी है इसमें बहुत ही ज्यादा लोड थी इन डॉक्टरों को भी, मानता की सेवा जो इनकी अभी लोड है। मोहाली जिले के एक और गांव की तस्वीर भी बदल गई है।
गांव नया शहर वडाला के आलिशान हेल्थ और वेलनेस सेंटर को देख लीजिए। चारों तरफ से रंग रोगन किया हुआ है। तकरीबन 700 गज में इमारत बनी हुई है, लेकिन यहां भी कई महीनों से ताला जड़ा था। जैसे ही आज तक की टीम यहां पहुंची तो देखा कि लोग अपना इलाज करवा रहे थे, सैंपल दे रहे थे। टेस्ट के बाद यहां कई कोरोना पॉजिटिव भी मिले। अगर ये स्वास्थ्य केंद्र नहीं खुलता, बीमारी लगातार महामारी का रूप लेती रहती। इससे पहले इसी डिस्पेंसरी को हमने दिखाया था कि यहाँ पर कुछ भी नहीं था, सब कुछ बंद पड़ा हुआ था। और यहाँ पर आप देखिए, ये बाकायदा एक पूरे तरीके से बना हुआ हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर है। और यहाँ पर अब डॉक्टरों की टीम भी मौजूद है और यहाँ पर टेस्टिंग भी बाकायदा की जा रही है, आप देख सकते हैं। मैम, यहाँ पर आप कोरोना की टेस्टिंग आप लोगों ने की आज? पांच लोग आए हैं अभी और आ रहे हैं। मेरे को फोन आया कि वो भी बंदे आ रहे हैं, ऑलमोस्ट 10 बंदे और आएंगे। मोहाली जिले के ग्राम झंझेड़ी में भी टेस्टिंग चल रही है, लेकिन यहां के लोगों की शिकायत है कि वैक्सीन का अब तक कोई इंतजाम नहीं हुआ। जब गांव में बड़ी तादाद में लोग पॉजिटिव होने लगे हैं, डेथ होने लगी है, तो उसके बाद गाँव के लोगों को भी समझ में आया है। और उसका परिणाम ये है कि अब गाँव के लोग खुद अपनी जिम्मेदारी से ही अपने आप पर नियंत्रण कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं और खुद का लॉकडाउन यहां पर लगा रहे हैं, ठीकरी पहरे दे रहे हैं। ठीकरी पहरे में आप लोग क्या करते हैं? ठीकरी पहरे में जैसे ये गली है, यहां पे हम जो नौजवान बच्चे हैं ये खड़े हो जाते हैं, जो बाहर से आता है उसको चेक करते हैं। आप जैसे कोई रिपोर्ट हुई है वो उसके लिए, या खांसी जुकाम तो नहीं, बाहर जो बाहर के लोग हैं, जो गांव के लोग हैं उनको भी रोकते हैं, आप बाहर घर से मत निकलो। वहीं मोहाली जिले के वडाला गांव में भी आज तक की खबर का असर हुआ। जहां सरकारी डिस्पेंसरी और दवाई की दुकान बंद थी, वहीं अब डॉक्टर भी हैं और दवाई भी मिल रही है। सवाल यह है कि इतनी खौफनाक दूसरी लहर के बावजूद सरकारों की नींद खुद क्यों नहीं खुलती? चंडीगढ़ से सतेन चौहान के साथ आज तक ब्यूरो। शहरों पर वैक्सीन की मारामारी है तो कई गांव में वैक्सीन सेंटर्स अभी भी खाली हैं। लोग वैक्सीन के नाम से ही खौफ खा रहे हैं। यूपी के एक गांव में जब स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची तो लोग वैक्सीन के डर से नदी में जा कूदे। शहर में वैक्सीन की किल्लत, वैक्सीन सेंटर बंद पड़े हैं। जहां टीकाकरण हो रहा है वहां स्लॉट मिलने में दिक्कत हो रही है, लेकिन गांव में हालात अलग। वैक्सीनेशन सेंटर में सन्नाटा पसरा है, लोग वैक्सीन लगाने से डर रहे हैं। यूपी के बाराबंकी के सिसोदा गांव को ही ले लीजिए। यहां अगर कोई मेडिकल टीम पहुंच भी जाए तो गांव में हड़कंप मच जाता है। इस गांव में टीकाकरण के लिए मेडिकल टीम पहुंची तो कुछ गांव वाले डर से सरयू नदी में कूद गए। बाद में लोगों ने समझा बुझाकर लोगों को सरयू नदी से निकाला, फिर जाकर 14 लोगों को टीका लगा। कई लोग गए थे वहाँ, लोगों को बताने, घर घर सभी को मोटिवेट किया, बताया गया। तो कुछ लोग नदी के किनारे जो मछली पकड़ते हैं वहाँ पर व्यवसायी है, वो सारे लोग वहाँ खड़े थे। वहाँ पे हल्का सा पानी था, वहाँ से निकल के आगे की तरफ खड़े हो गए। यूपी ही नहीं, मध्य प्रदेश के कई गांवों में भी ऐसा ही हाल है। भोपाल के पास के रातीबाड़ गांव में स्वास्थ्य विभाग के लोग टीका के लिए पहुंचे तो लोग वैक्सीन से कतराने लगे। ऐसा कुछ नहीं लगवाए, लगवा लेंगे। अभी तक क्यों नहीं लगवाई? अभी तक तो वही डर था कि कहीं ना कहीं गलत रहेगा, इस चक्कर में लग नहीं लगवाई। देखते थे न्यूज में या पेपर में कि यार वैक्सीन लगवाने के बाद लोगों के साथ गलत हो रहा है, कुछ परसेंट लोगों के साथ। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के कुछ गांव में लोग वैक्सीन के पूरी तरह खिलाफ, उनके मन में टीके को लेकर डर है, ये क्यों वो खुद नहीं जानते। लस घेणार की नाही? नहीं। दूसरी लहर में कोरोना गांव में सिर उठा रहा है, सरकार का फोकस भी गांवों पर है। प्रधानमंत्री ने गांवों पर ध्यान देने की अपील भी। ये संक्रमण अभी गांव में भी तेजी से पहुंच रहा है। देश की हर सरकार इससे निपटने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। ऐसे में जरूरी है कि गांवों में न सिर्फ इलाज पहुंचे बल्कि गांवों को जागरूक भी किया जाए, गांव वालों को बताया जाए कि कोरोना के खिलाफ वैक्सीन सबसे बड़ा हथियार है।
आज तक दे रहा है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज भी कोरोना की रोकथाम को लेकर अस्पतालों की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं, लगातार समीक्षा बैठकें कर रहे हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देवीपाटन, गोंडा, आजमगढ़ और वाराणसी के दौरे पर हैं। यूपी में लगातार कोरोना के मामलों में कमी आ रही है। अगर बीते 24 घंटे की बात करें तो 4844 नए मामले सामने आए, जबकि 234 बीमारों ने अपनी जान गंवाई है। एक समय ये लगता था कि वास्तव में कोरोना महामारी एक बड़ी आबादी को अपनी चपेट में ले लेगी, लेकिन उत्तर प्रदेश जो देश की आबादी का सबसे बड़ा प्रदेश है और इस पूरी लड़ाई में जिसकी एक अहम जिम्मेदारी भी थी और भूमिका भी है, हम लोगों ने टेस्ट एंड ट्रीट किस मंत्र को अंगीकार किया और उसके अनुरूप तेजी के साथ निगरानी समिति को और मोहल्ला समितियों को गांव-गांव और मोहल्लों में भेज करके स्क्रीनिंग की कार्रवाई, मेडिसिन वितरण की कार्रवाई, होम आइसोलेट या क्वारंटीन या हॉस्पिटल कहां उनको जाना है इसकी तैयारी और टेस्टिंग की क्षमता को विकसित करना। उत्तर प्रदेश आज के दिन तक 4,67,00,000 से अधिक लोगों को प्रदेश के अंदर कोविड टेस्ट कर चुका है।